हेलो, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और आज जनसरोकार मंच की एक छोटी सी मुझे जो एक मौका दिया है, और तो उसी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और आज जो मेरा जो इंट्रो दिया गया है आपको, एक जो पोस्ट आई थी आपके पास, उसमें कोरियोग्राफी वाला पोर्शन दिखाया गया है, बताया गया है कि मैं एक कोरियोग्राफर हूँ। सो आज उसी से रिलेटेड कुछ बात होगी। साथ ही साथ मैं जो सारी चीज़ें करता हूँ, उन्हीं सब चीज़ें, जैसे उसमें लिखा हुआ है, पेंटर भी हूँ मैं और एक रंगकर्मी भी हूँ, और सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आज जो सेशन होने वाला है, थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, तो जो सेशन आज का होने वाला है, मैं जो बताने वाला हूँ, जो बात करने वाले हैं आज हम, वो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। तो मेरा नाम है निखिल धवन और मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। और अजमेर को आप बखूबी जानते हैं, जो यहाँ पे पुष्कर भी है, दरगाह शरीफ है। तो यहाँ से मैंने सारी अपनी बचपन की जो भी पढ़ाई थी, 12th तक की मैंने पढ़ाई यहाँ से की, जिसमें कि एक साइंस का स्टूडेंट हुआ करता था मैं। और अगर मैं छोटा बच्चा हूँ तो उस टाइम पे, तब मेरा सीन ये था कि मैं सिर्फ एक ऐसा बच्चा था कि एक कमरे में बंद रहने वाला बच्चा था मैं, जो सिर्फ अपने ही एज के बच्चे जो है उनके साथ खेलता था, बाहर स्कूल जाता था, घर पे आता था, घर पे से मम्मी भाई पापा से बात, बस इस तरह का, और अपना काम किया बस यहाँ तक। बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पर मुझे, बस छोटा था तब, और बहुत मार भी खाई है, तो ऐसा सीन रहता था उस टाइम पर। फिर ये पता था कि हाँ, स्कूल के जो थोड़े बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं स्कूल के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो उसमें पार्टिसिपेट किया हमने 5th क्लास तक, कॉलेज स्कूल के अंदर मुझे सब जानते थे, तो उस टाइम पर किया। फिर उसके बाद थोड़े बड़े स्कूल में चला गया, तो वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया था इन सब चीज़ों के अंदर भी। अब ऑडिशन हुआ करते थे कि आप डांस करके दिखाएंगे, तो आपका अगर डांस आता है तो आप आगे पार्टिसिपेट करेंगे या फिर जो कुछ भी है। उस टाइम पर वहाँ पर उन ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए, लेकिन ये पता था कि हाँ, भाई लोगों को पता है, हाँ डांस आता था, तो बस वही जो गली मोहल्लों में कुछ ऐसा ही कुछ ना कुछ फंक्शन होते थे, डांस करना यहाँ पे, इस तरह से रहता था। उसके बाद 10th पास की, धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा, लेकिन स्टेज वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं था कि स्टेज पे मैं जाता हूँ या परफॉर्म करता हूँ या डांस सिखाता हूँ किसी को, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन ये हुआ था कि जब मैं 5th क्लास में था, तब मेरे ही घर के पास में एक स्कूल थी, जहाँ पे एक सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल थी, तो वहाँ पे मुझे मेरे ही जो दोस्त थे, पढ़ते थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि वह चलते हैं वहाँ पे, अपन को डांस का एक बार थोड़ा सा देखना है, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पे कभी कुछ ऐसा कोरियोग्राफी वाला पोर्शन बहुत टाइम पहले 5th क्लास में ऐसा कुछ किया था, ऐसा कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मैं करूँगा, तो ऐसा कंटिन्यू रहा। देन 10th पास की, देन साइंस मैथ्स ले ली, फिर पढ़ाई का बर्डन हो गया, फिर 12th पास कर ली। उस टाइम तक कुछ भी नहीं पता था कि स्टेज से रिलेट करके मैं करूँगा या अभी नहीं करूँगा, फिर स्टेज पे कभी जाऊँगा परफॉर्म करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद सब 12th पास हो गई, अब क्या करें। उस टाइम में जब मैंने 2008 में 12th पास की थी, उस टाइम में एक होड़ चली थी कि इंजीनियरिंग करेंगे, तो हमने भी एग्ज़ाम दिया और पास भी हो गए। काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिला, कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में पता ही नहीं था इंजीनियरिंग होता क्या, ऐसे बोर्ड में वहाँ पे पहुँच गए, कुछ नहीं पता किस तरह से पढ़ाई होगी। और सिर्फ ये बताऊँ, सबसे मेन हुआ था ये कि पहले ही दिन जब मैंने कॉलेज में एंट्री मारी, शुरुआत में फर्स्ट जो हमारी क्लास थी वो एक लैब थी हमारे इलेक्ट्रिकल की जो लैब, उसमें घुसा मैं, जाके मैं पूछा था कि हाँ भाई करना क्या है, जो बाकी स्टूडेंट में थे, इतने ही टीचर ने सुन लिया, मात्र 5 मिनट में मुझे मिल चुका था कि क्लास से बाहर निकलो, मात्र 5 मिनट में मुझे टीचर ने ये बोल दिया था, पहले ही दिन, मेरी पहली ही क्लास के पहले 5 मिनट में। चलो ठीक है, फिर यहाँ तक हुआ धीरे धीरे भी सब कुछ। फिर होता है, पता लगा कि स्कूल कॉलेज में होती है एक फ्रेशर पार्टी, जो कि जूनियर्स को दी जाती है सीनियर्स के द्वारा, लेकिन वो भी नहीं हुआ हमारे कॉलेज में हमारी तरफ से, और हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल अभी कुछ नहीं पता था। उसके बाद हमारा आता है 2nd ईयर, देन हमारे जूनियर आते हैं, तब हुआ कि हम फ्रेशर पार्टी देंगे हमारे जो जूनियर्स आए हैं उनको,
सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि एक कॉलेज के अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है या फिर ऐसा कुछ। तो हमारी क्लास में हर तरह के बच्चे हुआ ठीक, जो बॉन्डिंग से भी थे और लड़ाई वाले भी थे, पढ़ाई वाले भी थे, सब तरह के बच्चे थे। तो मैं एक था जो कि इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाला था। तो स्टेज वहाँ पे जब फ्रेशर पार्टी हुई, पूरा चमकट लगा हुआ है सब बच्चों का, और वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था माइकल जैक्सन का बाइक ब्रेक डांस, वहाँ पे परफॉर्म किया। देन उसके बाद लोगों को पता लगा कि हाँ भाई इस कॉलेज में ऐसा बंदा भी है जो ऐसे इस तरह के डांस करता है। देन उसके बाद जब पता लगा ये सब चीज़ें के बारे में, देन कॉलेज में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि हाँ अब कॉलेज के जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें मुझे बुलाया जाने लगा कि और भेजा जाने लगा कि हाँ भाई अब आपको जाना है स्कूल की सॉरी कॉलेज की तरफ से आपको जाना है और परफॉर्म करना है और सो ऑन सो ऑन। देन फर्स्ट ईयर निकला, सेकेंड ईयर निकला, थर्ड ईयर में जब हम आते हैं थर्ड ईयर में और बड़े बड़े थोड़ा सा बोले तो जो टेक फेस्ट होते हैं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर वो स्टार्ट हुए। वो स्टार्ट होने के बाद फिर कॉलेज लेवल पे हमने टेक फेस्ट अरेंज किए। देन वहाँ पे कॉलेज में CS यानी कल्चर सेक्रेटरी हैं जो होते हैं उसका अहदा मिलता है उनको। वहाँ से फिर सब चीज़ें धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लग जाती है कि किस तरह से अब क्या चीज़ें करनी है, फिर एक ग्रुप बनता है हमारा और धीरे धीरे सब चीज़ें। इसी बीच में हुआ ये था कि एक डांस इन डांस करके एक शो आपको 100% पता होगा, तो वो शुरू हुआ था। और शुरू होने के हुआ क्या कि जब पता लगा सबको तो वहाँ पे ऑडिशन, और ऑडिशन भी वहाँ पे दूर नहीं थे मेरे ही पास वाले कॉलेज में, वहाँ पे ऑडिशन पे। देन वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे जाके मैंने ऑडिशन दिया, देन आई गॉट सेलेक्टेड। और सेलेक्ट होने के बाद फिर वहाँ पे परफॉर्म करने गए, देन हम वहाँ पे कॉम्पिटिशन जीतते हैं और बाहर निकलते हैं। फिर लोगों को पता लग के हाँ भाई और भी चीज़ धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, ऑल ओवर जयपुर के अंदर विक करके आते हैं। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई होती है ख़त्म, जैसे तैसे हमने अपनी इंजीनियरिंग वैसे पूरा चार ईयर निकाल दिए। तो वहाँ पे चल रही थी हमारे बैक, लेकिन बैक चल रही थी तो अब क्या कर सकते हैं वहाँ पे। अब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 100% 6 महीने आपको अपनी वहाँ पर डिग्री दिखानी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। लेकिन जब हम वापस अजमेर आते हैं, जयपुर से वापस जब अजमेर आते हैं, तो होता ये है कि एक मेरा ही दोस्त मुझे मिलता है और देन वो कहता है कि मैंने इवेंट कंपनी स्टार्ट की है, तो वहाँ पे हम किसी और से मिलते हैं। तो हमारे पास ये ऑफ़र आता है कि एक डांस कोरियोग्राफ करना है आपको, एक वेडिंग है उसको आपको कोरियोग्राफ करना है। तो कोरियोग्राफी का कुछ इतना आइडिया नहीं था, देन थोड़ा सा देखा इधर उधर से कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। देन मैंने 2012 के अंदर दिसंबर में फर्स्ट कोरियोग्राफी अपनी की थी वेडिंग की। देन वहाँ से पूरा का पूरा पोर्शन जो है स्टार्ट होता है कोरियोग्राफी से रिलेटेड। उसके बाद से अगर देखा जाए अबाउ 150 वेडिंग्स जो है मैं कोरियोग्राफ कर चुका हूँ और अबाउ 50 से ज़्यादा शोज जो है मैं कोरियोग्राफ कर चुका हूँ। साथ ही साथ वहाँ पे जब ये वाला पोर्शन आता है कोरियोग्राफी का, तो ये कोरियोग्राफी से रिलेटेड और दूसरी चीज़ें भी आती हैं कि स्टेज जो है वहाँ पे आता है आपका। सबसे पहली चीज़ एक मॉडलिंग भी वहाँ पे, थैंक यू सो मच गीता धवन लखवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सो वहाँ से मॉडलिंग भी स्टार्ट होती है, मॉडलिंग का धीरे धीरे जोश जलता है, फिर पता लगता है कि मॉडलिंग में फिजिक भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन हम स्टार्ट करते हैं जिम जाना, वहाँ पे फिर फिजिक भी थोड़ी अच्छी करी हमने, देन मॉडलिंग भी स्टार्ट की। मॉडलिंग करने के साथ साथ मॉडलिंग कोरियोग्राफ करना भी स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं अजमेर में वापस आया था मॉडलिंग का थोड़ा थोड़ा क्रेज़ बढ़ रहा था, बट वहाँ पे मॉडलिंग सिखाने वाले लोग नहीं थे। देन आई ट्राई की कॉलेज में, जब ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है क्योंकि कॉलेज में रैम्प शोज़ वगैरह सब कुछ हुआ था, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे था। देन मैंने यहाँ पे अपना हाथ आजमाना शुरू किया और काफ़ी अच्छा रहा ये वाला एक्सपीरियंस। देन इस सब चीज़ों के साथ साथ चलने के साथ साथ मैंने देखा कि यार अपन ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो और सारी चीज़ें भी अपन को ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक ही ज़िंदगी है तो एक ही ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ अगर कर, मेरा ये मानना है कि मुझे सब कुछ करना है। तो वहाँ पे मैं फिर मॉडलिंग के बाद शादियाँ भी, यहाँ पे वेडिंग्स भी चल रही थी, मॉडलिंग वाला पोर्शन भी, जहाँ मॉडलिंग कोरियोग्राफी भी स्टार्ट हो गई। देन वहाँ पे अब आता है स्टेज, जब वहाँ पे हम जाते हैं वेडिंग्स के अंदर तो वेडिंग अब ऊपर एक एंकर खड़ा होता है जो सबसे बातचीत करता है। देन ट्राई किया एक बार कि कुछ करा जाए ये इस फील्ड में भी, एंकरिंग वाले फील्ड में भी, तो उठा लिया माइक
कुछ नोन थे जिनसे बोला कि आपके ही हम परफॉर्म करेंगे और आपके यहाँ पे मैं एंकरिंग करूँगा। देन एंकरिंग माइक उठाया वहाँ से, कुछ लोग जो उनको पहले से हम देख रहे थे उनको फॉलो किया, किस तरह से बोलना चालना होता है, लोगों से बातचीत किस तरह से करनी होती है, वो सब चीज़ें स्टार्ट की। देन एंकरिंग वाले पोर्शन में भी हम चले जाते हैं कि हाँ अब हम एंकर भी हैं, तो नाम के आगे अब जुड़ जाता है, एक कोरियोग्राफर था ही, मॉडल था ही और इंजीनियर तो हमारा चल ही जाता, साथ साथ एक एंकर निखिल धवन भी वहाँ पे जुड़ जाता है। उसके बाद आता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी देखा कि हाँ भाई भाई किसी का कैमरा मिला, फोटोज थोड़े क्लिक किए, हाँ भाई इंटरेस्ट लगा थोड़ा सा, तो फोटोग्राफी स्टार्ट की। पहले शुरुआत में कैमरा वैमरा नहीं था तो मोबाइल से स्टार्ट की। देन थोड़ा थोड़ा एडिटिंग वाला पोर्शन, क्योंकि खुद के ही फिर पोस्टर्स बनाने होते हैं, खुद की फ़ोटो भी अच्छी अगर अपलोड करनी है तो वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन एडिटिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे कुछ कहाँ से दोस्तों से ट्राई किया कि हमें कैमरा मिल जाए, तो कैमरा मिलते ही हम वहाँ पर स्टार्ट हो गए अपनी फ़ोटोग्राफी करना। तो फोटोग्राफी स्टार्ट की, फोटोग्राफी से बाद धीरे 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 सारी चीज़ चलती रही। अब इसी बीच में हुआ ये कि हम किसी से मिले थे, मेरे ही दोस्त है एक जो हम मेरे साथ ही मेरे से पहले से जो क्या है रंगमंडल हमारा जो एक थिएटर जो विंग है जो अजमेर में ही है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ट्राई करते हैं हम अच्छा काम करने की। तो हम मिलते हैं ऋषभ हर्षवाल जी से, तो उनसे बातचीत की, मिले एक दिन, ठीक है चलो ठीक है आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बुलाया एक दिन अपना, जब मैंने रंगमंच ज्वाइन नहीं किया था लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ चलो आज हम चलते हैं वहाँ पर जाके हम उनका प्ले देखेंगे। तो प्ले का नाम था बड़े साहब, जो कि श्याम नारायण माथुर जी जो कि मेरे भी गुरु हैं उनसे उनका प्ले था, तो वो देखा हमने। व्यक्तित्व विकास क्या प्रभाव रहता। ओके सर एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मैं आपका इस सवाल का जवाब देता हूँ देवेंद्र जी। तो वहाँ पे उनसे मिला, देन हमने देखा कि ये बहुत अच्छा प्ले था तो बहुत अच्छा लगा उनको, हम सब देख के आते वापस हम उनसे मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक और एक जब उस टाइम अजमेर स्मार्ट सिटी का एक प्ले जो है गवर्नमेंट की तरफ से आया था, तो सर ने लिखा और उनको बोला कि नई कास्ट चाहिए, तो मेरे पास कॉल आता है। जो फ्रेंड मुझे लेके गया था वो उस फ्रेंड ने परफॉर्म नहीं किया लेकिन मैंने परफॉर्म किया उस टाइम। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, स्क्रिप्ट हाथ में मिलती है, कुछ नहीं पता कि क्या करना होता है। उन्होंने कहा सिर्फ पढ़ो, पढ़ा पहले दिन, पढ़ा दूसरे दिन, पढ़ा तीसरे दिन, मैं सिर्फ अकेला ही गया, मेरा जो फ्रेंड था वो नहीं गया मेरे साथ। पढ़ा, पढ़ते हैं, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे परफॉर्म किया वहाँ पर जाके, परफॉर्म भी हो गया। परफॉर्म होने के बाद एक वहाँ पर ही लगातार हम जुड़ते रहे और एक छोटा सा समर कैंप हुआ वहाँ पे, हम 10 दिन का समर कैंप हुआ। देन समर कैंप में एक बहुत अच्छा लीड रोल मिला मुझे, जो वहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया जाता है, टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपको एक छोटे छोटे प्ले दिए जाते हैं 10-10 मिनट के, आपको परफॉर्म करने होते हैं। देन वो परफॉर्म किया, उसके बाद से मेरे प्ले स्टार्ट हो गए। 2014 से हमने प्ले करना स्टार्ट कर दिया। देन वहाँ से लेके अभी तक 2020 तक अभी तक हम वहाँ पे परफॉर्म करते आए हैं और सारे जो प्ले हैं रंगमंडल के, जो कि रंगमंडल चलता है और रंगमंडल बहुत सारे लोग हैं, अगर देखा जाए रंगमंडल में अबाउ 100 देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आते हैं जाते हैं, इवन जुड़ते रहते हैं कुछ से। और ये ऐसा नहीं है कि सबको आता है या कोई कहीं से कोई डिग्री लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है रंगमंडल में। रंगमंडल में जो कुछ भी है सब हम एक साथ रहते हैं, सामने जो कुछ भी होता है एक दूसरे की, और हमारे जो सर श्याम नारायण माथुर सर उनकी गाइडेंस में ये सारा का सारा पोर्शन जो है चलता है। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे कि आपको अगर नहीं आता तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। ये होता है कि आप आए, आपको सीखना है तो 100% आपको वहाँ पे टाइम, वो एक बात कही जाती है कि अगर आप को कुछ सीखना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस वही वाली चीज़ वहाँ पे भी है कि आप वहाँ पे आए और थोड़ा सा अपना समय दे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, तो 100% कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे करने को मिलेगा और 100% आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, इतना ये मानता हूँ मैं। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास क्या प्रभाव रहता है। ओके अगर मैं अगर बात करूँ कोरियोग्राफी वाला पोर्शन और इन सब चीज़ों के बारे में, तो एक व्यक्तित्व के विकास के अंदर सबसे मेन मुझे ये लगता है कि अगर आप परफॉर्म जब कर रहे होते, स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक परफॉर्मेंस अच्छी कब होती है,
उसके लिए मैं बताता हूँ सबसे मेनली मुझे ये लगता है कि एक स्माइल के साथ, भले कैसे परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपके चेहरे पर अगर एक स्माइल है तो 100% आपकी परफॉर्मेंस को लोग भले ही कुछ हो लेकिन परफॉर्म उसको पसंद ज़रूर करेंगे, मुझे ये लगता है। और विकास, व्यक्तित्व वाली विकास, कि एक दिमाग जो है आपका खुला रहता है उस टाइम में, और एक खुला दिमाग जो है कुछ ना कुछ 100% ग्रैप करता रहता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता रहता है। और जब आप एक डांस कोरियोग्राफ कर रहे होते हैं तब आपके दिमाग में 100% है कि अगर कोई बीट आ रही है, कुछ सिखा रहे हैं आप वहाँ पे, अगर बीट चल रही है तो आपको बीट समझने में, अगर आपका दिमाग इतना नहीं चल पा रहा तो आप एक्शन नहीं बना पाएंगे कि इस पे कौन सा एक्शन बैठाना होगा, या फिर सिर्फ आपको ये करना होगा। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप टीवी में देखिए या फिर ऑनलाइन देखिए, कहीं से भी कुछ वीडियो निकाला, उनकी कोरियोग्राफी सीखा, लेकिन आप अपना खुद का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, जब आप करते रहते हैं धीरे धीरे आपको सिखाने की कला आ जाती है। अगर मैं कहूँ कि एक बंदा है जो उसको मैथ्स पढ़ाना आता है, मैथ्स के उसके अंदर 100% मार्क्स आते हैं और 100 में से 100 लेके आता है, लेकिन एक है इसके 50% मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर 100% वाला बंदा जो है उसको मैथ्स पढ़ाना नहीं आता तो उसकी मैथ्स आई थिंक बर्बाद है, कुछ ही मतलब की नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए ही है। अगर वो 50% वाला जो इंसान है उसने जो कुछ भी पढ़ा है अगर वो सामने वाले को सिखा सकता है, उसे उसके जो भी जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सामने वाले को समझा सकता है कि हाँ भाई इस तरह से सॉल्व हो सकती है, तो आई थिंक वो जो कला है वो ज़्यादा बेटर है। वो वाली मैथ्स जो 50 मार्क्स लेके आ रही है लेकिन दूसरे को सिखा पा रही है, वो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है। उसी तरह से अगर हम देखें रंगमंडल वाला पोर्शन, जो मेरा रंगकर्मी है, जो एक थिएटर आर्टिस्ट का होता है, वो सबसे मैं लगता है कि पर्सनैलिटी चेंज वाला पोर्शन जो है वो पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है। क्योंकि एक हम आम अगर ज़िंदगी देखें तो हम बहुत सारे जो रोल हैं वो निभाते हैं। मान लीजिए छोटे से बच्चे को खिलाने क्या है, छोटे से बच्चा आपके पास है तो आप उसको खिलाते हो तो अलग अलग एक्टिंग आप करते हैं। और मान लीजिए कभी आपको बच्चा कुछ कर रहा है तो आपको वो चीज़ आता, आप नहीं चाहते कि वो करे तो आप उसको डराते हैं, तो वो भी एक एक्टिंग हुई। आपको भले अंदर से गुस्सा नहीं है लेकिन आप उसको डरा रहे हैं, सिर्फ आंखें ऐसी बना रहे हैं, एक्सप्रेशन ऐसा लेके आ रहे हैं, तो वो भी 100% यही हुआ कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो डेली लाइफ में हम रोज़ एक्टिंग करते ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसा, और मेरा व्यक्तित्व वाला अगर पोर्शन बोले हम, तो मैं जहाँ तक इंसान था, एक जो एक कमरे में बंद रहने वाला इंसान था, फिर बाद में जब लोगों के साथ मुझे सामने आया हुआ कि इंटरेक्ट करना है, लोगों से मुझे बातचीत करनी है, तो उस टाइम मुझे अपने आप ही ये सही चीज़ें आ जाती हैं कि यार अगर सामने वाले को मैं चिल्ला के बात करूँगा तो 100% सामने वाला भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, या फिर बोलेगा मुझे थप्पड़ भी मार दें। तो लोगों के साथ जब जुड़ते हैं, लोगों के साथ आप वहाँ पे काम करते हैं, एक थिएटर ही एक ऐसी चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि एक पूरा का पूरा ग्रुप होना ज़रूरी है। आप अकेले वहाँ पे बिल्कुल भी थिएटर में अगर आप हैं तो आपको टीम में ही काम करना पड़ेगा, विदाउट टीम अगर आप देखें तो वहाँ पे थिएटर पॉसिबल नहीं है, एक्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो सीखना अगर आपको है तो वहाँ पे थिएटर में 100% आप ज्वाइन कीजिए, या फिर आप कुछ ऐसी एक कला से सीखिए, कला कोई सी भी एक आर्ट आप चालू कीजिए कि 100% आपको, अगर आप उसमें रुचि रखते हैं या फिर आप उसे धीरे धीरे जानना चाहें तो 100% बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होगी। और अगर आप उस चीज़ में लगातार आप एक चीज़ करते जा रहे हैं तो 100% है आपके व्यक्तित्व में अपने आप ही उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और इसमें धीरे धीरे, जब मैं अभी बातचीत कर रहा था इसमें, तो मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, फोटोग्राफी के बाद वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया फिर अपना खुद का, अभी जब लॉकडाउन हुआ था फिर मैंने अपना चैनल चालू कर दिया। चैनल चालू करने के बाद मेरा जब छोटा था उस टाइम पर मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था, तो स्कूल में जब भी मैम बोलती थी कि आप फ्री बैठे हैं तो कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी करने के नाम पे सीधा ड्राइंग जो है फाइल खोलता था और ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता था। तो उस टाइम पे होता ये था कि ठीक है टीचर ने मान लिया, लेकिन उसके बाद में जब देखा जाए तो ड्राइंग बिल्कुल बंद हो गई, ऐसा कुछ था ही नहीं। 7th क्लास तक हमने ड्राइंग शीट पर काम किया, उसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो चुका था, ड्राइंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं। इंजीनियरिंग के अंदर भी से वो शीट्स हमको बनानी पड़ती थी, अच्छी बन जाती थी, अच्छे नंबर आ जाते थे, तो था कि एक पेंटर वाला पोर्शन भी। तो अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, घर में पूरा का पूरा पुताई वाला पोर्शन चालू हुआ, देन ट्राई मैंने ये किया कि मैं अपने ही घर को डेकोरेट करूँ, अपने ही रूम को डेकोरेट करूँ। सो वो चीज़ मैंने स्टार्ट की, और उस चीज़ का एक छोटा सा कुछ जो मैंने बनाया था आपको दिखा देता हूँ मैं, जो फर्स्ट मैंने पेंटिंग मेरे रूम में बनाई थी, दिस इज़ द पेंटिंग जो मंडाला आर्ट जिसे बोला जाता है, ये मैंने बनाया था उस दौरान।
और अभी ये मेरे कमरे में है। और उसके बाद जो आप ये पीछे मेरे वॉल देख रहे हैं, इसका भी डिज़ाइन जो है मैंने ही किया है। दैन उसके बाद आपको एक और चीज़, एक पेंटिंग जो है एक और बनाई है मैंने मेरे ही रूम में। लेट मी शो यू, दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ शिवा एंड नंदी। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। और ओके, थैंक यू सो मच। और अब क्वेश्चन आया है, शादी कब करोगे भाई? शादी का अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें चल रहा है प्रोसीजर। जैसे जिसकी जब जो बोलते हैं ना कि जब जब जो जो होना है तब तो सो सो होता है, बस उसी पे मैं पहले रूम डेकोरेट कर ले। रूम डेकोरेशन तो ऑल टाइम चलता ही रहेगा, तो जब जब जो जो होना है तब तो सो सो होता है, बस उसी पे मैं बिल्कुल अड़िग हूँ और 100% है वो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अभी मेन ये है कि अपने खुद पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, सब चीज़ें जो करता हूँ। उसके बाद थिएटर चलता रहा। थिएटर के बाद फोटोग्राफी में अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से आ चुके हैं कि अब फोटोग्राफी भी धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर रखी है। अगर देखा जाए तो पेंटिंग के बाद अगर मैं देखूँ फोटोग्राफी के बाद जब हम जिम जाने लगे तो जिम में हम ट्रेनिंग देना भी हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पर डांस सिखाया करते तो म्यूज़िक का थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हो चुका था कि हाँ म्यूज़िक किस तरह से मिक्स होता है, सारी चीज़ें। देन हमने डीजेइंग भी स्टार्ट कर दी, डीजेइंग वहाँ पर स्टार्ट की। उसके बाद लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब हम मॉडलिंग वाले पोर्शन में थे, वहाँ पे लोगों को बताने लगे हाँ आपको इस तरह से ये सब करना है, वहाँ पे कि अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको किस तरह से किससे बात करनी चाहिए, आपका ड्रेसअप किस तरह से होना चाहिए, आपका लुक्स किस तरह से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे वहाँ से एक के बाद एक चीज़ें शुरुआत होती गई और आज इतना सब कुछ जो है छोटा छोटा करके इतना सब कुछ हो चुका है। और अभी भी मैं यही कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो और कितने बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने मैं ला सकूँ, आप लोगों के सामने कोई जो कुछ नया है वो पेश कर सकूँ। कोई काम छोड़ा है, हाँ अभी काम बहुत सारे छूटे हुए हैं। अभी मैंने को टैटू बनाने नहीं आते, टैटू आर्टिस्ट वाला काम छूटा है। मुझे स्विमिंग नहीं आती है और मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं। हाँ अभी जुम्बा ट्रेनर के लिए मैंने अप्लाई किया है, सो लेट्स सी, जो मे बी शायद जुम्बा टीचर मैं बन जाऊँ। साथ ही साथ अब ये सारी चीज़ें जो कला है, अगर हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जल्दी शादी करो, डांस करना है धीरज को। डांस ऑफ कोर्स सबको ही करना है, बिल्कुल सबको ही डांस करवाएंगे हमारी शादी में, टेंशन ना लें आप उसकी। और शादी कर जल्दी करना नहीं करना वो मेरे ऊपर नहीं है, लेट्स सी जब होगा सब होगा। ओके, सो मैं बता रहा था कि जब इतने सारे मैं काम कर रहा था तो 100% है कि अर्निंग होती ही है इन सब चीज़ों से, लेकिन इतनी अर्निंग नहीं हो पाती कि आप एक अपनी जीविका आराम से चला सकें। अर्निंग होती है, आपके कोरियोग्राफी वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे वेडिंग्स वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है। माता पिता को अपने बच्चों का नाटक नृत्य कलाओं से जो क्यों जोड़ना चाहिए? ओके, जिसे मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको इसका चीज़ क्या हो कि अगर हाँ आज जीविका चलाने के लिए इतना कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने उस टाइम पे ही क्या किया, स्कूल ज्वाइन किया। तो मैं एक स्कूल टीचर भी हूँ और स्कूल में मैं एज अ साइंस टीचर रहता हूँ और वहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी होती है वो सब मैं कराता हूँ। ओके, तो सर आपका जो क्वेश्चन है, माता पिताओं को अपने बच्चों एवं नाट्य नृत्य कलाओं से क्यों जोड़ना चाहिए? जोड़ना एग्जैक्टली ये होता है, अगर इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ डांस ही करना चाहिए। एक जो इंसान होता है वो बचपन से ही कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होती है उसको कुछ ना कुछ करने की। तो बचपन में जब आप छोटे, आपको अगर कलर्स दे दिए जाते हैं तो 100% आप चला देते हैं, कुछ ना कुछ लिख पेन दे तो चला देते हैं। लेकिन कुछ अब बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अगर मान लें देखा है तो उनको कुछ प्ले करना, जैसे गिटार बजाने की बात करें या फिर ढोलक बजाने की बात करें, तो उस चीज़ को पहचानना मेनली, तो अगर देखा जाए पहचानना कि हाँ भाई आपका जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, ठीक है, सबसे पहले मेन चीज़ ये। और एक शुरुआत
जब आप शुरुआत में ही बच्चे को जान जाते हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा ये कलाएँ जो है अच्छे से कर सकता है, इस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है, तो आप उसी फील्ड में आप उस बच्चे को आगे बहुत बढ़ा सकते हैं जहाँ तक चाहे। जैसे मान लो अगर मुझे पता होता या फिर मेरे मॉम डैड को पता होता कि मैं आगे जाके डांस कोरियोग्राफर बनूंगा या फिर मैं डांस करूंगा, तो 100% है, तो उस टाइम में वो शायद तक तो कोरियोग्राफी वाला पोर्शन या फिर डांस मुझे सिखाते तो मैं शायद और भी किसी अच्छे और अच्छे लेवल पे और पहुंच सकता था। तो मुझे ये मानना है कि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि अगर उसका भविष्य वाली पोर्शन देखें कि आपका भविष्य एक ही दिशा में, क्योंकि अभी के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बच्चा मोबाइल के अंदर कितनी सारी चीज़ें देखता है, वो सब डांस भी देखता है, म्यूज़िक भी देखता है, जिम भी देखता है, पेंटिंग भी देखता है, ए टू जेड इवन क्या बोलते हैं मॉडलिंग भी देखता है, कोडिंग वाली चीज़ें भी देखता है, इतनी सारी चीज़ें वो देखता है, तो 100% उसके दिमाग में वो सेट नहीं हो पाता कि उसको कहाँ जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, अगर टीचिंग भी करनी है या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ जाना है या जॉब करनी है, तो 100% उस टाइम उसको फोकस नहीं हो पाता। इसलिए पेरेंट्स का एग्जैक्टली उससे जुड़ना, क्योंकि मैं जब कर रहा था ये सब चीज़ें मुझे गाइडेंस करने वाला कोई इंसान था नहीं मेरे पास, तो 100% बच्चों का अगर सबसे ज़्यादा गाइडेंस अगर ढंग से कर सकते हैं तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को एग्जैक्टली 100% है उससे जुड़ना चाहिए और एक पता लग जाता है कि हाँ भाई बच्चा अगर उसमें कर रहा था 100% क्यों नहीं कर रहा है, तो एक राह अगर हम कहें तो एक बिल्कुल वे मिल जाता है कि हाँ भाई बच्चे का पर्सनल यहाँ पे भविष्य जो है अच्छा है, और अगर आप बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसका साथ दे रहे हैं तो 100% वो आगे जाके बहुत कुछ अच्छा करेगा। पर्सनलिटी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं इस कला के माध्यम से, ओके आप कौन से वाले पोर्शन, अगर थिएटर के पोर्शन से या कोरियोग्राफी के पोर्शन से हम देखें तो एक सिखाने की कला जो होती है, किसी को कुछ सिखाने की कला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और सिखाने वाला जो होता है कोरियोग्राफी की, अगर हम बात करें पहले कोरियोग्राफी की अगर बात करें तो कुछ सिखाने के लिए आपको एकदम हम्बल होना चाहिए। एग्जैक्टली पहले के टाइम भी बोला जाता था कि गुरु जो होते थे उस टाइम में गुस्सा करने वाले गुरु भी होते थे, लेकिन उस टाइम के जो शिष्य हुआ करते थे वो शिष्य भी वैसे होते थे कि उन्हें सीखने की ललक होती थी, भले ही अब उनका जो उस टाइम में जो गुरु जी जो थे आश्रम में जब थे तब वहाँ पे वाली टीचर गुस्सा करे चाहे कुछ ही करे, तो बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है, अन्य लोगों को निखिल के सवाल कर सकते हैं। ओके सो थैंक यू सो मच दीपू जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि उस टाइम के जो गुरुजी हुआ करते थे उस टाइम गुस्सा भी करते थे तो वो बच्चा कुछ नहीं कह पाता था कि हाँ भाई अब तो सीखना है तो सीखना ही पड़ेगा वो वहाँ पर, लेकिन अभी के अगर टाइम में देखा जाए तो अगर टीचर गुस्सा कर रहा है तो 100% जाके माँ बाप से शिकायत कर देगा बच्चा कि नहीं टीचर है तो ऐसा ऐसा काम उसको ऐसा मैं नहीं जाऊँगा सीखने के लिए। तो एक मुझे ये लगता है कि अभी के हम्बलनेस अगर होती है, अगर आपको ये सिखाना है तो एक हम्बलनेस होती है, एक प्यार से आप सिखा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा अगर बच्चा उद्यमी है तो अलग बात आ जाती है, जैसे स्कूल में भी हम जाते हैं तो स्कूल में अब तो सरकार द्वारा ये भी हो चुका है कि आप बच्चे को मार भी नहीं सकते, और हमने तो काफ़ी मार खाई है, तो एक हम्बलनेस आ जाती है आपके अंदर। अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई आपको इस तरह से बात करनी है, अगर बच्चे को नहीं आ रहा है उसने पूछा है आपसे तो आप उसको वापस बताएंगे, तो एक कामनेस आ जाती है। अगर वो बच्चा सीख रहा है तो 100% आपको सिखाने में मज़ा आएगा। तो मेरा ये लगता है इस अकॉर्डिंग एक माइंडसेट भी रहता है, एक बॉडी लैंग्वेज भी रहती है पूरी की पूरी, आपको सिखाना आता है किसी को कुछ चीज़ तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहता है। और अगर थिएटर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछें तो थिएटर के अंदर एक टीम काम करती है। अगर आप चाहें कि नहीं मैं अपना आपको बड़ा दिखाना चाहूँ या फिर मुझे ये करेक्टर मिला है मैं अपने करेक्टर को बहुत अच्छा दिखाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। वहाँ पे जब आप स्टेज पे आप काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो सामने वाले जिस तरह से डायलॉग बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर सामने वाला गुस्से में बोल रहा है तो अगर लड़ाई वाला सीन चला था आपको भी गुस्से में बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे आप गुस्से में बोल गए सामने वाला ऐसे ढीला होकर बोल दिया तो वहाँ पे फिर वो कैरेक्टर नहीं आ पाएगा। और पर्सनैलिटी अंदर कि आपका भले ही व्यवहार जो भी हो लेकिन आपको जो कैरेक्टर मिला है उसी कैरेक्टर में रह के आपको सारी चीज़ें बोलनी हैं और एक दायरा बन जाता है। अब आप बहुत ही अग्रेशन वाले इंसान हैं, अब आपको एक बिल्कुल काम इंसान मान लें बहुत गुस्सा करते हैं और आपको भगवान बुद्ध का अगर हम कैरेक्टर देते हैं तो आपको सूट नहीं करेगा, तो हुआ क्या आपको उस कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, तो आपको पता लग गया कि हाँ भाई इसमें ऐसी चीज़ होती है मुझे ऐसे रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब दूसरी चीज़ सीखना, अगर हम बोले अगर कुछ आपको सीखना है तो सीखने के लिए भी आपको अंदर से आपको ये कि हाँ भाई बिल्कुल शांत रह के सीखना होता है। आप ये नहीं बोल सकते टीचर ने चिल्ला के वहाँ पहले मुझे ये सिखा दो, ऐसा नहीं बोल सकते ना आप टीचर को वहाँ पे जाके, तो आपको उसके लिए क्या है थोड़ा शांत रह के आराम से टीचर जो बोल रहे हैं एक बार सुनिए, देन आपको नहीं आता है पूछिए, तो इस तरह से।
और लोगों से बातचीत कैसे की जाए। अब वहाँ पे जब आप अकेले ही जा रहे हैं, वहाँ पे अगर मान लो कोई प्ले चल रहा है, वहाँ पे 30 लोगों की कास्ट है, तो वहाँ पे आप जाके चुप नहीं बैठ सकते, ठीक है। वहाँ पे आपको बात ही बात जो है करनी पड़ेगी लोगों से जानना पड़ेगा कैरेक्टर क्या है आपका, और उसी अकॉर्डिंग एक पूरा तालमेल बैठेगा। अब स्टेज पे आपकी लाउड जो आवाज़ है, आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, सामने वाला बहुत धीरे बोल रहा है, तो आपकी आवाज़ ही सुनाई देगी, तो उसी के बराबर आपको मैच करनी पड़ेगी या फिर उसको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, दोनों पे एक लेवल पे आना पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी वहाँ पे आपकी डेवलप होती है, किस तरह से आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है। स्टेज के बैक स्टेज अगर देखा जाए तो एक रंगकर्मी जो होता है, ज़्यादा काम मैं को ये लगता है कि स्टेज के सामने नहीं होता, उससे ज़्यादा काम होता है स्टेज के पीछे। तो स्टेज के पीछे अगर देखा जाए तो वहाँ पे साउंड्स का वाली पोर्शन भी होता है, प्रॉपर्टीज वाला भी होता है, प्रॉप्स का भी होता है, पूरा सेट होता है, लाइट होती है, इवन रोल्स चेंज जो होते हैं बार बार अगर इतना देखा जाए तो चलते सीन के अंदर आपको कई बार ये होता है कि आप मूव करें, देन आपको ड्रेस चेंज करके आनी होती है, तो ऐसा वाला पोर्शन भी कई बार रहता है। तो पीछे जितना काम होता है, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत मेन होती है। इस तरह से आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है डेवलप हो जाती है, जहाँ पे आपको बोलना नहीं आता। अब बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे सामने खड़े हुए हैं, जहाँ तक मैंने बताया था अभी आपको कि मैं एक ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था लोगों से, इवन अपने रिश्तेदारों जो है उनसे भी बात नहीं करता, सिर्फ बच्चों से या फिर जिनसे मैं रोज़ मिलता था उनसे बातचीत किया करता था। तो वहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो इतने लोगों से मैं बात करता हूँ अब कि हाँ अच्छा लगता है बात करना, लोग सुनना चाहते हैं। यहाँ पे जब एंकरिंग करने हम स्टेज पे जाते हैं तो एंकरिंग वाला पोर्शन भी अगर मैं देखूँ तो मेरा रंगमंडल से स्टार्ट हुआ है, जो एक थिएटर आर्टिस्ट से स्टार्ट हुआ है, तब मुझे लोगों को फेस करना आया था। अब हम जब मैं शुरुआत में मुझे पहले जब मैं छोटा था, अगर मैं वैसा का वैसे ही रहता तो 100% अभी आप लोगों के सामने मैं अकेला इतनी बातचीत नहीं कर रहा होता। अभी मुझे वहाँ से पता लगा है, इतना सारी चीज़ें पता लगी, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। स्टेज पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे 100-200-500 लोग वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, सबकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं। और इवन मैं ये चीज़ बता दूँ, जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तब आपको के सामने बिल्कुल अंधेरा होता है, क्योंकि जो लाइट्स होती हैं वहाँ पे ऑडियंस वाली वो बिल्कुल बंद होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस आपको देख पाते हैं, लेकिन आप ऑडियंस को नहीं देख पाते। जब जैसे ही लाइट ऑन होती है तब पता लगता है कि हाँ भाई इतने सारे लोग जो है मुझे देख पा रहे हैं और इन्होंने मुझे देखा है। तो वहाँ पे मुझे ये लगता है कि पूरी की पूरी पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो जाती है, आपको लोगों से बात करना आ जाता है और लोगों की नई चीज़ें जानना। अब मैं अगर एंकरिंग वाली बात करूँ, मेरी स्टेज पे जब मैं जाता हूँ तो मैं स्क्रिप्ट करके नहीं जाता कि मैं इससे क्या पूछूंगा, या फिर स्टेज पे जाने से पहले मैं ये नहीं सोचता कि मैं किस तरह से लोगों को ग्रीट करूंगा, अब मैं किससे क्या पूछने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं स्टेज पे जाता हूँ और सीधा नॉर्मल बात करना स्टार्ट करता हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे आप मुझे कमेंट पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो इसी तरह का पूरा जो है पोर्शन रहता है। मैं वहाँ पे बिल्कुल भी 1% भी माइंड जो है अपना बिल्कुल खाली करके जाता हूँ, कुछ दिमाग में रख के नहीं जाता। तो आई थिंक एक नॉर्मल जो चीज़ आनी चाहिए लोगों के सामने, जो नेचुरल चीज़ आनी चाहिए, वही अगर मैं एक बनावटी पोर्शन बन गया, अगर मैं अभी बात भी कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी आवाज़ बना के बोलूँगा तो लोगों को 100% पसंद नहीं आएगी। अगर मैं अभी नॉर्मल बोल रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं अच्छे से, आराम से आप कुछ पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है, इवन अगर मैं कुछ बनावटी करके जाऊँगा तो एक खुद की पर्सनैलिटी इस तरह से डेवलप होती है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जो है बहुत सही कर रहे हैं, और शायद तभी लोगों को अच्छा लगेगा। एक क्योंकि एक सिंपल सी बात है, एक मैं फूल लेके आता हूँ आपके सामने, 2 फूल लिए मैंने आपको, एक बिल्कुल अभी जस्ट मैं लेके ही आया हूँ गार्डन से, और एक मैं प्लास्टिक का आपको, दोनों दिए, दोनों में आप रखेंगे तो 100% आपको ज़्यादा अभी भले ही, हालांकि थोड़ी देर बाद वो जो नेचुरल फूल है वो मुरझा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए पसंद आएगा, लेकिन पसंद ज़रूर आएगा वो। तो वही चीज़ है, उसी तरह से जो लोग हैं उनको भी यही चीज़ पसंद आती है, नेचुरल जो चीज़ होती है, असलियत जो है अगर हम बात करें, वही चीज़ पसंद आती है। तो मुझे लगता है कि व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट है इस तरह से पूरा का पूरा होता है, किसी भी क्लास से अगर आप जुड़ते हैं। इवन अगर मैं बताऊँ बात करूँ कि जो मेरी ये पेंटिंग अभी मैंने आपको दिखाई, मंडाल आर्ट, ये वाली एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाली, इसको बनाने में मुझे अप्रॉक्स 15 डेज मुझे पूरे लग गए थे इसको बनाने में। और मैं जब इसको बना रहा था तो मुझे इतना डर था कि मेरी दीवार ख़राब ना हो जाए, मुझे नहीं पता था क्या ट्रिक्स इसमें लगने वाली है, किस तरह से पूरा का पूरा जो सिमेट्री रहेगी मुझे नहीं पता था। मैं जस्ट स्टार्ट किया और बनाना स्टार्ट किया, और उस टाइम में मैंने हबड़ दुबड़ नहीं की, मुझे हालांकि क्यूरियोसिटी थी कि हाँ भाई जल्दी बनाऊँ, लेकिन
जल्दी बनाने के साथ साथ मुझे अपने आप को भी शांत रखना था कि हाँ भाई किस तरह का कलर कौन से किससे मैच करने वाले हैं, कौन से मैच नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी एक कामनेस आई और आराम से अभी आपके सामने देखिए, आपको मैंने दिखाई पूरी पेंटिंग, तो आई लोग आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान के व्यक्तित्व को निखारती हैं और इंसान को एक जीने का सलीका जो अगर हम बात करें तो वो इंसान को मिलता है और इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है डेवलप होती है। सो ये वाले सारे पोर्शन थे और आई होप आप लोग जो है आप लोगों को जितनी मैंने बातें बताई अच्छी लगी होगी और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके जितने भी सवाल हैं आपने जो कुछ भी मुझसे पूछा उनका बखूबी आप लोगों को जवाब दे सकूँ। तो अभी तो मैं यही चीज़ें कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में भी और नई नई चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि मैं और भी सारी चीज़ें करूँ और आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो मैं बताऊँगा आपको लेकिन बच्चे दीवार पर चित्र बनाते हैं, माता पिता उनको डांटते हैं। हाँ वो तो कह रहा है बिल्कुल है, तो एक्चुअली मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ तो माँ बाप मुझे नहीं मार सकते ऐसा। तो मैं एक्चुअली ये सीन था ऐसा था कि ज़रूरी नहीं है कि दीवार पे आप पेंटिंग करें, आप कैनवास पे भी पेंटिंग कर सकते हैं, पेपर पे पेंटिंग कर सकते हैं, स्केच है तो मैंने ये करा कि सब की सब आप दीवार पे बनाना चालू कर दें। आप ट्राई करें कि पहले कुछ दिखाएं कि हाँ भाई आप इस तरह का चीज़ बना रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है, मैंने ये सिर्फ अपने लिए बनाया था। आज तक मैंने भी जब बनाई थी पेंटिंग उससे पहले मैंने भी कभी दीवार पे कुछ नहीं बनाया था, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट किया, देन अभी एक पेंटिंग है, अगर आप मेरा चैनल देखेंगे यूट्यूब पर, मेरा चैनल है निखिल धवन नाम से, वहाँ पर पता लग जाएगा आपको। एक और पेंटिंग मैंने बनाई थी अब मेरे ही मॉम डैड के रूम में, कृष्णा की पेंटिंग, जो कि अभी जन्माष्टमी वाले दिन ही मैंने उसका पोस्ट किया था, सो आई होप वो भी आप देख सकते हैं। तो और धीरे धीरे और भी सारी पेंटिंग्स जो हैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि मैं उनका भी वर्क चालू हो चुका है। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि दीवार पर ही करें, अगर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर पेंटिंग वाला पोर्शन है तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, पेपर पर स्टार्ट कीजिए, या फिर इवन आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक हैरी पॉटर की स्टोरी अगर आप बताएं, तो हैरी पॉटर की जो राइटर थी उन्होंने स्टोरी लिखना चालू किया था, एक जो नैपकिन होता है रेस्टोरेंट में वहाँ से लिखना चालू किया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ वो स्टोरी पहुँच चुकी है। तो उसी तरह से अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो यहाँ से हो वहाँ से हो, जहाँ से आपकी मर्ज़ी हो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है और पूरी लगन से कर रहे हैं तो बुलंदियों तक आप 100% पहुँचेंगे। ओके, सच्चाई में जीना चाहिए, जी बिल्कुल सच्चाई में जीना चाहिए। बच्चों का ऑलराउंडर होना ठीक है या किसी एक चीज़ पर फोकस करना? मैं ये मानता हूँ कि आपको जीवन चलाने के लिए, एक जीविका चलाने के लिए आपको एक लाइन तो पकड़नी ही होगी, मेरा ये मानना है। तो जहाँ से आपका पैसा आता रहे और आपकी जीविका चलती रहे वो वाली लाइन आप पकड़ लीजिए, उसके बाद वो लगातार चलते रहने दीजिए, लेकिन उसके बाद आपको ज़िंदगी में जो करना है वो करिए, बस वो जो चीज़ आपने पकड़ी है जिससे आपकी जीविका चलने वाली है। क्योंकि आप भले कितने ही अच्छा सब कुछ कर लें, कितना ही पेंटिंग अच्छी बना लें, डांस अच्छा कर लें, जितनी भी कला है आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक जब समाज में अगर आप आ जाते हैं, सोसाइटी में आप आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना पेट पालना ही है, अपने घर वालों का भी पेट पालना है, ये सारी चीज़ें। तो भले लोग वाहवाही कर ले आप लोगों की, क्योंकि एक आर्ट एक बहुत एक ऐसी चीज़ मुझे लगती है कि लोग वाहवाही जरूर करते हैं, लेकिन उनको जब पैसा वाली पोर्शन आ जाता है जहाँ पे करने वाला, तो वहाँ पे मोल भाव चालू हो जाता है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आपको अगर पैसा कमाना आपकी जीविका चालू करनी है तो आप एक काम पकड़ लें, देन उस पर आप लगातार काम करते रहे ताकि आपका पैसा आता रहे और आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो चलती रहे, उसके बाद उसके साथ साथ आप जो करना चाहे वो करते रहें। जैसे अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, तो स्कूल से मेरी थोड़ा बहुत जो अर्निंग होती रहती है, साथ साथ जो डांस वाला पोर्शन है उससे और एक्स्ट्रा अर्निंग आती रहती है, तो ऐसा मेरा काम जो है भी चलता है। इसी तरह से मैं यही बोलता हूँ कि एक वाला पोर्शन आप स्टार्ट कर लें कि आपका पैसा आता रहे, आपका जीवन चलता रहे, और आपको एक साइड में जो जो चीज़ करनी है वो आप करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द बेसिक फंडा फ्रॉम माई साइड कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। कि बाकी अगर सब चीज़ें आप एक साथ करने लग जाएंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ये, क्योंकि अभी मैं स्टेज वाले फील्ड से रहता हूँ तो स्टेज वाले काम ही सारे मैं करता हूँ, तो अगर आप सब चीज़ें एक साथ करना चाहेंगे तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ा समय लग सकता है, सब चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय आप सबको दीजिए तो सब चीज़ें हो भी जाएंगी, आप भी खुश रहेंगे, साथ साथ आपका जीवन भी आराम से चलता रहेगा।
सच्चाई में जीना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सच्चाई में जीना चाहिए, जो चीज़ जैसी है आपको वैसी बताएं, बिल्कुल उसके अंदर हेर फेर ना करें। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। तो सच्चाई में जीने वाली बात अगर देखें तो एक बहुत ही कड़वा सच है हमारे थिएटर आर्टिस्ट की, थिएटर आर्टिस्ट हमेशा गरीब होते हैं, उनको एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जो होती हैं, भले हमको सेट भी बनाना होता है या फिर स्पॉन्सरशिप वाली चीज़, हमारे पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड सोर्स होते हैं हमारे पास कि, थैंक यू सो मच, एक लिमिटेड सोर्स होते हैं हमारे पास सब चीज़ों के लिए, और हम सारी चीज़ें जो होती हैं हमें ही अरेंज करनी होती हैं। तो कला जो है एक, अगर देखा जाए तो बहुत महंगा भी है और बहुत सस्ता भी है। अगर महंगा देखा जाए तो आपको बनाने में जितना टाइम लगता है, तो आपका जितना समय जाता है जीवन में, सबसे चीज़ अगर महंगी चीज़ अगर मैं मानता हूँ तो टाइम होता है, जो भी कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आता। और सस्ता उस अकॉर्डिंग देखा जाए कि लोग किस तरह से उसे आँकते हैं। अगर मैं अपनी पेंटिंग्स की बात करूँ तो लोग बोले हाँ क्या है रंगी तो भरें, अब उस रंग भरने में, उस रंग को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा, मैंने कितना सोचा है उसको, रंग को प्रॉपर होने में, रंग को फैले नहीं, वो सारी चीज़ में मैंने कितना टाइम दिया है। वो चीज़ बहुत महंगी थी, वो चीज़ कोई उसका कोई 100% कोई बोल नहीं है, कोई पे नहीं कर सकता, और मानने वाले कुछ भी माने, लेकिन जो एक कला होती है, एक कलाकार जो होता है उसके लिए वाहवाही जो होती है बहुत मायने रखती है। तो ये भी एक सच्चाई है। तो कला बहुत महंगी चीज़ भी है, और अगर लोग बाकी चीज़ से देखें तो बहुत सस्ती चीज़ भी है। सो आई होप आज का जो छोटा सा एक मैंने ट्राई किया था अपने बारे में बताना, अपनी चीज़ों के बारे में बताने, पूरी सारी सारी चीज़ें, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा जो अकाउंट है फेसबुक पे निखिल धवन नाम से है, सो वहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पे ही मेरा एक पेज है फितूरी नाम से, FITTOORI, फितूरी, तो वहाँ पे आप उस पेज पे लाइक कर सकते हैं और उस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरे जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिल जाएगी, और जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वहाँ पे अपलोड होती ही रहती हैं। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं, कला की किस्मत सिर्फ एक कलाकार, कीमत सिर्फ एक कलाकार है जाता, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, सो इंस्टाग्राम यूज़ अगर आप करते हैं तो उस पर भी मेरा अकाउंट है, वहाँ पे है फितूरी नाम से, FITTOORI, फितूरी निखिल धवन, अगर आप सर्च करेंगे तो अभी जो पोस्ट पे फ़ोटो थी वही फ़ोटो मेरी लगी हुई है ऐसे हाथ जोड़ते हुए, और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मेरी सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी आपको, सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, इवन उससे थोड़ा ज़्यादा पुराना वाला पोर्शन भी आपको मिल जाएगा जब से मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है निखिल धवन नाम से, तो वहाँ पे सारे वीडियोस, वहाँ पे मेरे डांस के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे मेरी पेंटिंग के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जो मैं लाइव सेशन, इंटरव्यूज लाइव सेशन जो मैंने किए थे इंस्टाग्राम पे और अभी भी मैं करता हूँ, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपके सवाल अभी भी कुछ बाकी हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे किसी भी अकाउंट पे, देन आई विल आंसर ऑफ योर ऑल द क्वेश्चंस। सो मैं अभी बोलना चाहूँगा ये कि जन सरोकार मंच का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे एक मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का, आप लोगों से बातें करने का। सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आप अभी मैं बता दूँ एक चीज़, कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जहाँ पे भी है आप वहाँ पे आप अपने आप को सेफ रखिए, घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब ज़रूरत हो, और अपने आप को, अपने परिवार वालों को, सबको सुरक्षित रखिए, क्योंकि अभी जो है कोरोना बिल्कुल अभी जाएगा या नहीं जाएगा उसका कुछ कह नहीं सकते, सब सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं अपने आप को बचाने की। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, और आप सभी को शुभकामनाएं आपके आने वाले जीवन में, आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप सभी एक बार बिल्कुल अपना 100% दीजिए, और जो आप चाहते हैं जीवन में आपको 100% मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।